हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12 का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6 to 12 का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। रेस्पिरेशन हो गया हमारा कि कैसे कैसे होता है, उसके अंदर जो पूरी प्रोसेस है वो किस किस टाइप से होती है श्वसन में, जैसे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कौन कौन से ऑर्गन्स चाहिए उसके लिए, कैसे कैसे वो मतलब उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जीवों के अंदर जो श्वसन के प्रोसेस है वो कैसे कैसे होती है, वो हो गया। अभी नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो भी सिस्टम ही है, बट वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हमने देखा कि जैसे ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन मिलके जा रही है, तो ब्लड का जो फ्लो है वो कहाँ हो रहा है, पूरी बॉडी में हो रहा है, तो वो जिस सिस्टम के अंदर आता है उसके बाद हम करेंगे कि जो ब्लड है वो कैसे कैसे फ्लो होता है पूरी बॉडी के अंदर में, कैसे कैसे उसको मतलब वो कहाँ कहाँ क्या क्या पार्ट जो हैं जो उसकी हेल्प करते हैं, जो मिलकर उस सिस्टम को बनाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर परिसंचरण तंत्र। ये भी सिस्टम जैसे हमने ऐसे पढ़ा, श्वसन में हमने पढ़ा कि श्वसन तंत्र के अंदर क्या क्या प्रोसेस होंगे, ऑर्गन्स होंगे, कैसे श्वसन होगा। यहाँ हम पढ़ेंगे कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कैसे कैसे होगा, कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे जो मिलकर सिस्टम का इसका फॉर्मेशन करेंगे, कुछ एनिमल्स पढ़ेंगे जिनके अंदर इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये किस उनके अंदर इसकी कंडीशन क्या होती है, क्या विशेषताएँ होती है, क्या अलग चीज़ें होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र। देखिए, सबसे पहले तो अगर इस परिसंचरण तंत्र की बात करें तो विलियम हार्वे ने बताया था इसके बारे में, और जैसे जो जीवित जो जंतु सभी जो होते हैं उसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, चाहे वो जैसे अपशिष्ट पदार्थ हो या फिर अवशोषित पदार्थ हो या फिर जल हो, वो सारी जो चीज़ें होते हैं जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सभी क्या, वो शरीर में एक जगह से कहाँ पहुँचते दूसरी जगह पे। मान लीजिए हम खाते तो मुँह से हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर इसका पाचन वाचन होता है, जबकि एनर्जी हमारे हर पार्ट में रहती है। मान लीजिए हम कोई काम करते हैं तो एनर्जी हमारे हर पार्ट तक मिलती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचती है, मतलब जो एनर्जी किससे मिली, भोजन से मिली, वो एनर्जी सभी भागों तक पहुँची। तो ये काम जिस सिस्टम के अंदर किया जाता है उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, उसको परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। अगर मान लीजिए हमें अगर डेफिनेशन देना चाहे परिसंचरण तंत्र की, परिसंचरण की, मेनली तो सिस्टम तो यही है, इस सिस्टम में हम सब चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पे ये वर्ड हमने यूज़ लिया सर्क्यूलेटरी, तो मतलब सर्क्यूलेशन, या फिर उसको बोलते हैं परिसंचरण, परिसंचरण, ठीक है। अब इस सिस्टम को पढ़ने से पहले तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो परिसंचरण है ये होता क्या है, ठीक है। तो ये बताया इसमें क्या होगा कि जीव में क्या क्या इसके अंदर होंगे, क्या यानी कि जो काम क्या होगा इसका। परिसंचरण का मतलब है कि जो भी बॉडी के अंदर जरूरी चीज़ें उनको क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना ब्लड के माध्यम से, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, परिसंचरण तंत्र करता है, ठीक है। और ये जो क्रिया है, ये जो क्रिया हुई है वो क्या कहलाती है, वो परिसंचरण कहलाती है। तो इसके डेफिनेशन में हम क्या दे सकते हैं, जैसे क्या क्या रहते हैं उसके अंदर, अवशोषित पदार्थ है, यानी कि जो भी पदार्थ जिनका एब्जॉर्प्शन हुआ है वो अवशोषित पदार्थ जो बॉडी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा क्या रहेगा, जल रहेगा, वाटर, इसके अलावा कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी तो रहेंगे, वेस्ट मटेरियल भी इसी के अंदर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि देखिए जो अच्छी चीज़ें हैं मतलब जिनका बॉडी के लिए यूज़ है वो सारी बॉडी के पार्ट्स तक जाने चाहिए ताकि सभी ऑर्गन सुचारू रूप से चलते रहें। जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो ऐसे ऑर्गन्स तक जाने चाहिए जहाँ से उनको बाहर निकाला जा सके। तो ये जिस सिस्टम के अंदर आता है, सिस्टम कौन सा है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। ये जैसे जल है, वेस्ट प्रोडक्ट, इनके अपशिष्ट पदार्थ हम बोल रहे हैं, ये इनको क्या, इनको एक स्थान से कहाँ पे दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान तक,
इसके लिए पहुंचाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में जो सिस्टम काम करता है उसको क्या बोलते हैं, ये जो प्रक्रिया इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन बोलते हैं, परिसंचरण बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सब एक कोई भी चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, बॉडी के हर पार्ट्स तक जा रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, वो परिसंचरण होता है। ये तंत्र जिसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं उसको क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। अगर हम बात करें इसमें ऑर्गन्स की, जैसे कि बहुत सारे ऑर्गन्स हेल्प करते हैं कोई भी सिस्टम को बनाने में, जैसे ऑर्गन्स है तो इसमें क्या मेनली ऐसे लगा लें जैसे डक्ट्स वाले, वाहिकाएँ, वाहिनिकाएँ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उनमें क्या बेहतर रहता है, जैसे हम ऑर्गन्स की बात करें इसमें, तो जैसे कि जो भी ऑर्गन्स हैं उनमें क्या बेहतर रहता है, उनमें पाए जाते हैं नलिकाएँ पाई जाती हैं, वाहिका, वाहिनिका, वाहिकाएँ, वाहिनिकाएँ क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब वो जो वाहिकाएँ हैं, वाहिनिकाएँ हैं, वो सब क्या, उनके अंदर क्या बेहतर रहता है, जो डक्ट्स होती हैं, नलिकाएँ होती हैं, उनके अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है। ठीक है, इनके अंदर क्या भरा रहेगा, एक लिक्विड भरा रहेगा। वो जो लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है, उस लिक्विड के अंदर क्या होता है, उसी लिक्विड के अंदर जैसे जो भोजन, खाने के जो भी मतलब पदार्थ जो जरूरी होते हैं, वो है ऑक्सीजन है, जल है, या फिर जितने भी उपयोगी पदार्थ है जो बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, वो एक स्थान से कैसे पहुंचते हैं, दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। किसके द्वारा पहुंचेंगे, ये जो तरल है इसके अंदर, इसी के द्वारा क्या पहुंचेंगे, जैसे ये जो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, यानी कि पानी भी होगा और जितने भी पदार्थ होंगे, यानी मेनली क्या, सर्कुलेशन जो होगा वो किसके थ्रू होगा, वो इसी लिक्विड के द्वारा होगा। ठीक है, ये जो लिक्विड होगा इसी के द्वारा क्या होगा, उसके अंदर ये प्रोसेस होगी। अब इसके अंदर ये जो तरल भरा हुआ होता है, ये जो लिक्विड होता है, ये भरा हुआ होता है मेनली इसको क्या, जैसे जो लस्सी का बोलते हैं हम, इसको लस्सी का, ऐसे ब्लड है, या फिर जैसे उसके अंदर सारे प्रोसेस होते हैं, ब्लड कई पार्ट्स होते हैं उसके, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। मुख्यतः तो क्या, लस्सी का, ब्लड, या फिर जैसे जल जिसको हम बोल रहे हैं, वो जल होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो इनके अंदर लिक्विड के अंदर होते हैं पूरा पार्ट। अब ये जो जैसे सारे पदार्थ जरूरी इसके अंदर उपस्थित हैं, ये जो जरूरी पदार्थ होते हैं वो सब क्या करते हैं, ये इन्हीं पदार्थों से ही क्या, हमारी जो बॉडी है उसके जो प्रत्येक कोशिका होती है, प्रत्येक जो पार्ट होता है उसको क्या मिलता है, पोषण मिलता है। क्योंकि देखिए भोज्य पदार्थ हैं, उनसे क्या मिली, एनर्जी मिली, वो उसके अलावा जो ब्लड के अंदर गया वो भी, उसके अंदर क्या जैसे ऑक्सीजन है वो भी उसके अंदर आई। तो इसी तरह यही तरल पदार्थ हर जगह पे जा रहा है, ब्लड जा रहा है, इसीलिए हम इसको अलग सिस्टम में रखा, कौन सा, सर्कुलेटरी सिस्टम। और जैसे ये जो लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है, जो भी यूजफुल पदार्थ होंगे, जितने भी यूजफुल मैटर होगा, मटेरियल, उसका ट्रांसफर कौन करेगा, ये लिक्विड करेगा। क्या, इसका ट्रांसफर कौन करेगा, ये लिक्विड, ये तरल पदार्थ करेगा। इसी में वो सारी जो चीज़ें हैं वो घुल कर जाएंगी और बॉडी के सभी पार्ट्स तक जाएंगी। इनसे क्या होगा कि हमारे, इससे फिर क्या मिलेगा, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उन सबको क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा। यानी कि जब पोषण का मतलब क्या होता है, जीवन द्वारा भोजन ग्रहण करना पोषण होता है, तो वो जो भी जरूरी चीज़ जब यहाँ तक पहुँचेगी ब्लड के माध्यम से, तो उनको क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा। शरीर की जो प्रत्येक कोशिका जो होती है, उस हर कोशिका तक ये ब्लड होता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ब्लड क्या है, हर बॉडी के हर एक पार्ट तक प्रेजेंट है, कौन, ब्लड। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसी के माध्यम से जितनी भी जरूरी चीज़ें होती है भेजी जाती हैं, वो भेजी जाती हैं सभी कोशिकाओं को मिलेगी। जैसे सेल्स हैं, उनको पोषण मिला है। ठीक है, जब उनको पूरी तरह से, आप एक बात बताइए कि जब आप खाना खाते हो तो आप एनर्जेटिक रहते हो, आपके अंदर एनर्जी रहती है, आप खाना नहीं खाते हो तो एनर्जी कहाँ से आएगी। तो यही काम कोशिकाओं को होता है, उनको लगातार एनर्जी मिलती रहती है, तो उनको क्या मिल रहा है, पोषण मिल रहा है, और वो क्या करेंगी, वो एक्टिव रहेंगी, लगातार कार्य करती रहेंगी। तो ये तो प्रोसेस होती है कि इसके अंदर जो परिसंचरण तंत्र होता है उसके अंदर मेनली कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपसे पूछता है कि सर्कुलेशन या परिसंचरण किसे कहते हैं, तो वो आपको ये बताना है कि जो जीव, जितने भी जो जंतु होते हैं, उन सभी में क्या, जैसे जो भी अवशोषित पदार्थ हो, जल हो, या फिर जो अपशिष्ट पदार्थ हो, उन सभी को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने के लिए जो भी क्रिया की जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सर्कुलेशन बोलते हैं। और ऐसा सिस्टम
जिसके अंदर ये चीज़ें आती हैं, ये सर्कुलेशन आता है, उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। उसके अंदर ऑर्गन्स, वाहिका, वाहिनिकाएं, ठीक है, वो ये मतलब वाहिका वाहिनिकाएं क्या होती है कि नली जैसी संरचना होती है, यही क्या करती है, हर एक चीज़ को बॉडी के सभी जो पार्ट्स होते हैं उन तक पहुँचाने का काम करती है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जब सभी तक क्या जाएगा, ब्लड जा रहा है सभी तक, ऑक्सीजन जा रही है, जल जा रहा है, फूड मटेरियल जा रहे हैं, तो सभी पार्ट्स से इसलिए काम करेंगे। तो ये प्रोसेस होती है कि जिस जो सर्कुलेशन होता है मेनली उसके अंदर होगा क्या, अभी जैसे मैंने आपको ये बताया, आपको समझ में आया, पसंद आया वीडियो, तो आप लाइक करो वीडियो को, वीडियो लाइक करके बताएं ताकि हमें पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। और अगर मान लीजिए कोई कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। ये तो बात हो गई कि परिसंचरण रियल में होता क्या है। अभी अगर हम बात करें जैसे कि जो एनिमल्स में परिसंचरण होता है, तो उस परिसंचरण के द्वारा क्या, उसके द्वारा क्या मेन प्रोसेस होगी, मतलब इसके टाइप्स अगर हम देखें उनके अंदर, तो वो कौन कौन से होते हैं। अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स की। दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक तो होता है फर्स्ट, हम बात करें पहले की, पहला होता है ओपन सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है क्लोज्ड या फिर बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये पार्ट होते हैं किसके अंदर, जो परिसंचरण तंत्र होता है उसके अंदर ये दोनों पार्ट होते हैं, ठीक है। अगर इनके बारे में हम बार बार से पढ़ें, मतलब खुला किसको बोलेंगे और हम बंद किसको बोलेंगे, तो उसकी बात करते हैं। अभी देखिए खुला जो सिस्टम होता है वो भी उसमें सारे प्रोसेस क्या होगी, बिना नलिकाओं के होगी, उनके अंदर जितनी भी प्रोसेस होगी उसको मतलब खुला क्यों बोल रहे हैं हम, उसको हम खुला क्यों बोल रहे हैं उसकी बात करेंगे। बंद जो सिस्टम है यानी, तो उसको हम बंद क्यों बोल रहे हैं उसकी बात करेंगे। तो इसमें पहले हम ले रहे हैं कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या होता है, जिसको हमने बंद परिसंचरण तंत्र बोला है वो क्या होता है वो देखते हैं। यही सिस्टम ऐसा है जो सारे जो मटेरियल होगा उसको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुँचाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ले रहे हैं जो क्लोज्ड टाइप का होता है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है उसकी बात करते हैं, क्लोज्ड परिसंचरण सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। टाइप है इसके, इसमें हम पहला कौन सा पढ़ रहे हैं, जो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र, तो उसको कैसे बोलते हैं। बंद का मतलब वो है, ये इससे ब्लड का बहता, नलिकाओं में बहता, बंद का मतलब है कि ये जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं, रक्त की जो नलिकाएं होती हैं, उनमें जो सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन किसमें, किसके अंदर, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त की जो नलिकाएं होती हैं, रक्त की जो वाहिनिकाएं होती हैं उनके अंदर, ब्लड वेसल्स, ठीक है, जो सर्कुलेशन ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बंद परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि जो जो भी पदार्थ हैं उसका तो अभी भी बॉडी तक जाने पड़ेंगे, नलिकाएं तो ठीक है, जो नलिकाएं हैं उनके अंदर लिक्विड बहता है इसके अंदर, ठीक है, और बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को तक, हम ऐसे बोलते हैं हमारा ब्लड जनरली सभी भागों तक जाता है, तो ये जो प्रोसेस होती है जिसे ब्लड वेसल्स इसके अंदर बंद, और इनमें क्या भरा रहता है, एक लिक्विड भरा रहता है, ठीक है। वो लिक्विड क्या करेगा, जो भी जरूरी पदार्थ होते हैं, जो भी क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आवश्यक पदार्थ होते हैं जो बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, वो न्यूट्रिएंट्स जो है कहाँ तक पहुँचाए जाएंगे, उनका ट्रांसफ़र कहाँ तक किया जाएगा, बॉडी के हर एक पार्ट तक, हर एक पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या देखें, जरूरी पदार्थों को तो कहाँ पहुँचाएगा, जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, जरूरी पदार्थ हैं, जैसे यूजफुल मटेरियल, अगर वो चीज़ ज़रूरी है तो उसको कहाँ तक पहुँचाएगा, ऑर्गन्स तक। इसके अलावा दूसरे क्या, जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स, एक्सक्रेटरी का मतलब क्या है, जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं,
तो उन उत्सर्जी पदार्थों को उन अंगों तक पहुंचाना जो क्या कर दे, उसका उत्सर्जन कर दे, या फिर जो पोषक तत्व है उनको उन अंगों तक पहुंचाना जिनका बॉडी के लिए ज़रूरत है। तो ये सिस्टम को अगर जिसके अंदर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, उसको बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, जिसके अंदर ब्लड जो है वो नलिकाओं के अंदर प्रवाहित होता है और वहीं से क्या जितने भी जरूरी पदार्थ होते हैं वो बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुँचा दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है ये चीज़ की सर्कुलेशन जो है। पहली बात तो क्वेश्चन क्या कि हम सर्कुलेशन कहते कैसे हैं, दूसरा सर्कुलेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तीसरा जो टाइप्स होते हैं मतलब खुला बताया बंद बताया ये रियल में होते क्या हैं। ठीक है, तो पहला तो हो गया कौन सा हमारा जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, उसका आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब मैं बात करती हूँ कि जो मान लीजिए इसके अंदर हमने क्या होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को तो कहाँ पहुँचाना है, और जो जैसे जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं उनको कहाँ पे पहुँचाना है। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे फिशेज होती हैं, मछलियाँ होती हैं, या फिर आप ऐसे लगा लीजिए फिशेज के अलावा जैसे मानव जो है, मानव के अंदर भी क्या पाया जाता है, बंद प्रकार, क्योंकि आप देखिए हमारा ब्लड कैसे थोड़ा खुला बिखरा रहता है उसके अंदर, कहीं से अगर कट लगता है तो क्या क्या आने लगता है, ब्लड आने लगता है, वो क्या एक बंद जो नलिकाएं हैं उनके अंदर प्रवाहित होता है। तो मतलब हमारा सिस्टम कैसा है, हमारा सिस्टम बंद प्रकार का है, बंद क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, बंद परिसंचरण तंत्र है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट बात आते हैं क्वेश्चन की कि जो जिसे जो हम नाम जैसे झींगा मछली, उसके अंदर घोंगा है या फिर सीपी है, उनके अंदर किस टाइप का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, इसका जवाब देना आपको नेक्स्ट वीडियो में कि तिलचट्टा है, झींगा है, सीपी है, इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कौन से टाइप का होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज, और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।